नमस्कार, वेलकम टू स्टडीज ऑनलाइन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो सवालों का जवाब मिलने वाला है। पहला, क्या अब आपके पद बढ़कर 1,00,000 हो गए हैं, और दूसरा, क्या 11 जनवरी को आपकी आंसर की आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और दोनों सवालों का जवाब देखें। उससे पहले, जो विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले उपलब्ध करवाते हैं। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों, पहले सवाल का जवाब देखते हैं कि क्या आपके पद बढ़कर 1,00,000 हो गए हैं। तो दोस्तों, इससे संबंधित एक नोटिस है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, वो जो नोटिस वायरल हो रहा है वो बिल्कुल फेक है। अभी वैकेंसियां आपकी उतनी ही है जितनी पहले थी, और वैकेंसियां कितनी है ये आप इस नोटिस में यहां पर देख सकते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें दोस्तों आपकी वैकेंसियां 62,907 है, और अभी भी दोस्तों आपके इतने ही पद हैं, इनमें एक भी वैकेंसी कम या अधिक नहीं हुई है। जब भी दोस्तों वैकेंसियां कम या ज्यादा होती है तो रेलवे उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताता है, और अभी रेलवे ने कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जो नोटिस वायरल हो रहा है वो एडिटिंग करके बनाया गया है। जब रेलवे एएलपी की वैकेंसियां भरी थी उस टाइम पर जो नोटिस रेलवे ने जारी किया था, उस नोटिस में कुछ परिवर्तन करके अब उसे ग्रुप डी का बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आप इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दें, आपके पद अभी तक उतने ही हैं जितने 62,907 पहले थे। अब दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि 11 जनवरी को आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों देखिए, 11 जनवरी को आंसर की आएगी, ये बात आपके द इंडियन एक्सप्रेस ने कही है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रेलवे के अधिकारी हैं अंगराज मोहन, उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को आपकी आंसर की आ सकती है। तो दोस्तों देखिए, 11 जनवरी को आपकी आंसर की आएगी, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो रेलवे ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी नहीं किया, बल्कि रेलवे के अधिकारी का बयान है। तो दोस्तों, बयान बाद में बदल भी जाते हैं, इस बात के ऊपर मोहर नहीं लगाई जा सकती कि 11 जनवरी को ही आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर रेलवे के अधिकारी ने कहा है तो संभावनाएं तो है कि आपकी 11 जनवरी को आंसर की आ जाए, लेकिन तय नहीं है कि 11 जनवरी को पक्का आ जाएगी। अगर ऑफिशियली यहां पर डेट बिल्कुल फिक्स हो जाती तो रेलवे ऑफिशियली नोटिस जारी करता कि 11 जनवरी को आंसर की आएगी, लेकिन रेलवे के अधिकारी हैं अंगराज मोहन, उनके मुताबिक उन्हें ऐसा लग रहा है कि 11 जनवरी को आंसर की आ सकती है। हो सकता है आपकी आंसर की 11 जनवरी को न आए और इसमें और भी ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी इसे संबंधित आगे कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा देंगे, और जो दोस्तों अफवाहें फैल रही है इस टाइम के ऊपर, आप उन सभी से बचकर रहें। हम आपको जो भी अफवाह फैलेगी उससे भी अवगत जरूर करवाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और क्या ये अफवाहें आप तक भी पहुंची है ये बात भी आप कमेंट करके बताएं, और दोस्तों आपके कितने नंबर बन रहे हैं इस बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में वो बात भी आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, जो आपके परिवार के लोग हैं उनमें शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। ऐसे ही रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑफिशियल वेबसाइट studyjobline.com को विजिट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।